हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सोनम के ऊपर दिखाऊंगी आईब्रो में, जिसके आईब्रो इस तरह से बहुत लाइट है, तो आप अपने आईब्रो को कैसे थिक एंड कलर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये निशा का जो ब्लैक कलर है, ये बेसिकली हिना है गाइस, और आपको मैक्सिमम ये 15 रुपया खर्चा पड़ेगा। और देखिए, बस बहुत थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा लगेगा भी नहीं आपको। और हल्का सा पानी लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है गाइस। जो माइक्रोब्लेडिंग आईब्रो होते हैं, जो कराते हैं, जो ओवर ओवर लगता है ना, टैटू टाइप जैसे लगता है, बहुत ओवर कर दिया गया है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बहुत सारा कस्टमर का इस तरह से करती हूँ, तो मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। पहले मैं ना प्रॉपरली एक वैक्स करके एक शेप कर लूँगी। सोनम का थ्रेडिंग भी है थोड़ा थोड़ा, तो बस हल्का हल्का ही मैं यहाँ पर वैक्स कर रही हूँ पहले थ्रेडिंग से, उसके बाद मैं वो हिना लूँगी। और जब जैसे थ्रेडिंग का एक शेप होता है ना, आप पहले हल्का हल्का लेके शेप करना है। यहाँ पे मेरी और एक नेल एक्सटेंशन की क्लाइंट भी आ गई थी, तो मैं थोड़ा सा मतलब उनको बिठा के उसके बाद ही काम कर रही हूँ, तो प्रॉपर वीडियो नहीं कर पाई। इस तरह से आपको कलर लगा लेना है दोनों में, और इसके बाद आपको 30 मिनट्स रखना है। मैंने यहाँ आधा घंटा ही रखा है, और देखिएगा इस कितना नेचुरल लग रहा है, मतलब नहीं लग रहा ओवर टैटू टैटू टाइप, एक होता है ना बहुत ओवर लगता है। और ये आराम से आपके 1 मंथ तो आराम से चले जाएंगे, आपको बार बार वो आईब्रो पेंसिल या पाउडर नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ सोनम भी बहुत खुश है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर।